गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. गॉट इट? तो हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के बारे में डिस्कशन किया था. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. डे बाय डे आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजे, सो देयर इज अ नीड फॉर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी. हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि जो कोल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में, ये सारे एग्जास्टिबल हैं. एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनको प्रिपेयर होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. बट हाँ, आज के डेट में हम बहुत तेज़ी से इनको यूज कर रहे हैं तो ये बहुत तेज़ी से कम भी हो रहे हैं. अप्रॉक्स 250 ईयर्स में टोटल जो कोल है पूरे अर्थ पर, जो कोल है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इस वजह से हमें कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज भी ढूंढने होंगे, अदरवाइज आने वाली हमारी जो जनरेशन होगी वो बिना एनर्जी की हो जाएगी. और आप सपोज दैट एक इमेजिन करिए, अगर एक दिन आपके घर लाइट नहीं आती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है. और आने वाले समय में अगर एनर्जीज नहीं होंगी, लाइट प्रोडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें. आज के डेट में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कांट इमेजिन आवर फ्यूचर लाइफ. तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए जनरली हम लोग डीजल और कोल का ही यूज करते हैं. ठीक है. तो ये ऐसी एनर्जीज हैं जो एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगी. तो हमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पर भी फोकस करना होगा. ठीक है. तो क्योंकि हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज कर रही है और इसलिए हमें अनदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की नीड हो रही है. रीजन्स फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या कारण है? यही है कि द फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स इन द अर्थ आर लिमिटेड विच मे गेट एग्जास्टेड सून इफ वी यूज द मैटर द करेंट रेट. ठीक है. तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जो अर्थ में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे क्योंकि हम उनका कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं. रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल्स मेकिंग देम लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. ठीक है. ठीक है. रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉसिल फ्यूल्स पर अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो उनको हम कुछ, अगर उनका कम से कम यूज करेंगे, कुछ अल्टरनेट सोर्सेज अगर हम यूज करें तो वो काफ़ी समय तक चलेंगे. ठीक है. क्योंकि वो तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ने वाले हैं नहीं, इसलिए हमें उनकी यूज को कम से कम करना है और उनके अल्टरनेट में कुछ एनर्जीज के सोर्सेज देखने होंगे. टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल एंड टू सेव द एनवायरमेंट. ठीक है. और आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के कारण पॉल्यूशन भी काफ़ी अधिक होता है जब इन्हें हम बर्न करते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही अधिक हार्म करता है. तो हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना भी है, इसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करना होगा. तो इसमें पहला जो आपका अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आपका सोलर एनर्जी. ठीक है. सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी जो है बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें हमें, इस एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है और सन, जब तक सन रहेगा ये एनर्जी हमें मिलती रहेगी और सन की जो लाइफ है वो अर्थ से अधिक है. तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं और सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो ये एक सिंपल सा अमाउंट है जो कि ये बताता है कि पर मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी पर सेकंड रेडिएट होती है फ्रॉम द सन. यानी 1 मीटर स्क्वायर एनर्जी में, 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया होगा उसमें 1 सेकेंड में 1.4 किलो जूल एनर्जी रेडिएट होती है फ्रॉम द सन. आउटर एज ऑफ द अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी इक्वल टू 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो जो हमारी अर्थ की एज है, सरफेस है, उस पर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. सोलर कुकर,
तो अब हम कुछ डिवाइसेस के बारे में देखते हैं जो कि सोलर एनर्जी से चलने वाली डिवाइसेस होती हैं। तो उसमें है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर्स एंड वाटर हीटर्स यूज सोलर एनर्जी टू ऑपरेट। सोलर कुकर या फिर वाटर हीटर्स, सोलर के ही वाटर हीटर्स होते हैं। आप एक इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज होने वाला वाटर हीटर देखते होंगे, बट यहाँ पे हम सोलर वाटर हीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सोलर एनर्जी को ऑपरेट करते हैं, उनका यूटिलाइज करते हैं। ब्लैक सर्फेसेज एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन अदर सर्फेसेज एंड सोलर कुकर्स यूज दिस प्रॉपर्टी बाय कोटिंग देयर इनसाइड ब्लैक। ठीक है, तो देखिए डार्क कलर जो होते हैं, सबसे डार्क कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ब्लैक कलर जो होता है वो लाइट का गुड एब्जॉर्बर होता है या फिर बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब वो अधिक हीट भी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो सोलर कुकर या फिर सोलर वाटर हीटर होते हैं उसके इनसाइड जो कोटिंग की जाती है वो ब्लैक कलर की जाती है, जिससे कि उस पर लाइट जब इंसिडेंट करे तो वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करे। दे यूज़ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज लाइक मिरर टू फोकस द सन रेज। ठीक है, और साथ ही साथ सोलर कुकर के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज भी रखे जाते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, एक ही पॉइंट पर लेकर के आती है, जिससे अधिक हीट प्रोड्यूस हो सके। द डिवाइस इज कवर्ड विथ ए ग्लास प्लेट देयर बाई स्टेब्लिशिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग हीट इन साइड द कुकर। ठीक है, और जो ये डिवाइस होता है आपका सोलर कुकर होता है, इसको ग्लास प्लेट से कवर भी किया जाता है, जिससे कि ग्रीन विथ ए ग्लास प्लेट, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट कम से कम हो, क्योंकि जब डायरेक्ट हीट के लाइट आएगी, ठीक है, तो जो भी उसमें ग्रीन हाउस गैसेज भी प्रेजेंट होती है जो कि हार्म कर सकती है, बट ग्लास रखते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को रोक देता है। नेक्स्ट वन इज सोलर सेल। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज अ सोलर सेल। तो सोलर सेल बहुत ही कॉमन है, आप काफ़ी जगहों पर देखते होंगे, रोड लाइट वगैरह लगे रहते हैं, वो सारे सोलर एनर्जी से चलते हैं, या फिर गांव वगैरह में भी कुछ जगहों पे सोलर पैनल लोग लगवाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो लोग सोलर पैनल लगवाते हैं। ठीक है, उस सोलर पैनल में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सोलर सेल्स होते हैं। ठीक है, कई सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो सोलर पैनल जो होता है वो मोर एनर्जी कंज्यूम करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, ए टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ऑफ 0.51 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो सॉरी, अ टिपिकल सोलर सेल प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ऑफ 0.51 वोल्ट की वोल्टेज प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और 0.7 वाट का इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म ए सोलर पैनल विच कैन जनरेट पावर लार्ज इनफ टू प्रैक्टिकल यूजेस। ठीक है, तो कई सारे सेल्स इस तरह से आपस में कंबाइंड होते हैं और वो एक पैनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि वो लार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हम अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करा पाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं सोलर एनर्जी के या फिर सोलर से चलने वाले डिवाइसेस की? नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, इनका रख रखाव करने के लिए भी कोई अलग से खर्चा नहीं करना होता है। कैन बी सेट अप इन रिमोट एरियाज विदाउट द हैसल एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, तो बेसिकली इनका यूज ऐसे जगहों पर किया जा सकता है, रिमोट एरियाज, जैसे बहुत ही दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ पर प्रॉपर रोड नहीं होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं जा पाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उन ऐसे जगहों पर सोलर पैनल बहुत ही काम का डिवाइस होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है, तो इसका यूज बहुत ही अधिक होता है। ये इसके फायदे हैं। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, ठीक है, जहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में या फिर हिली एरियाज़ में, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इसी सोलर पैनल से ही आती है। अदरवाइज जो हम लोगों के यहाँ पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नहीं आ पाती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अक्सर करके लैंडस्लाइड होता है, या फिर आप देखते होंगे कि कई बार
पहाड़ टूट करके गिर जाते हैं, तो ये सारे लाइन वहाँ पर बिछाना काफ़ी रिस्की होता है, इस वजह से ऐसे जगहों पे नहीं लगाया जाता है। तो डिसएडवांटेज भी कुछ इसके होते हैं, रिक्वायर्स ए स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन विच इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिलिकॉन की नीड होती है, ठीक है, और सिलिकॉन जो होता है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। जो सोलर पैनल होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। यूजेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटर कनेक्शन मेक्स इट एक्सपेंसिव, हाँ, इसमें जो भी सोलर सेल्स होते हैं उनको इंटर कनेक्ट करने के लिए सिल्वर की नीड होती है, सिल्वर वायर्स की, तो काफ़ी ये एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बार ही हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसका हम बार बार यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज जियो थर्मल एनर्जी। जियो, जियो मीन्स, जब भी जियो की बात आती है तो जियो मीन्स अर्थ, थर्मल यानी कि हीट, यानी अर्थ की हीट को यूटिलाइज किया जाए। आप जानते हैं कि अर्थ का, अर्थ जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, को अपर लेयर है जो क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। कोर जो होता है बहुत ही अधिक टेम्परेचर होता है कोर पे और मेंटल में। जैसे जैसे हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो पर 32 मीटर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है। 30 मीटर हम जाते हैं, 32 मीटर तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो नीचे यानी कि बहुत ही अर्थ के पास बहुत ही अधिक क्वांटिटी में हीट प्रेजेंट है, उस हीट का हम यूज कर पाए, तो वो हो गई आपकी जियोथर्मल एनर्जी। तो देखते हैं, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फॉर्म फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंस इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी होता है जो कि कहाँ से मिलता है हमें, हॉट रॉक्स प्रेजेंट इन द इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे जो गर्म रॉक्स पत्थर वगैरह हैं उन्हीं से ये एनर्जी मिलती है। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट स्पॉट स्टीम इज जनरेटेड, स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू पाइप्स टू अ टर्बाइन एंड यूजेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है जब वो इस हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो कहीं ना कहीं से वो बाहर की तरफ आना चाहता है, क्योंकि स्टीम जो होता है वो गैस जैसा होता है, वो हल्का होता है तो ऊपर की तरफ उठेगा। तो उस स्टीम ऐसे जगहों को जो भी हॉट स्पॉट होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, और जहाँ से स्टीम प्रॉपरली कंटिन्यू फॉर्म में स्टीम निकल रही होती है उसको पाइप से उस स्टीम को फ्लो कराया जाता है, और स्टीम आकर के जब टर्बाइंस पर पड़ती है, जनरेटर की टर्बाइंस पर, वो रोटेट करता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ओके। एडवांटेजेस क्या हैं, इकोनॉमिकल टू यूज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी का यूज करना काफ़ी सस्ता है, इसमें हमें कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है। डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है। लिमिटेशन भी कुछ हैं, जियो थर्मल एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ये तो है ही कि सभी जगहों पर ऐसा नहीं होता है कि जियो थर्मल एनर्जी प्रेजेंट हो। डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियो थर्मल एनर्जी इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जब ड्रिलिंग करना होता है इनसाइड द अर्थ तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सोर्स में जितने भी हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन डिवाइसेस को बनाने के लिए यूज़ करने के लिए हमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हाँ, उसके बाद में जब हम उसका यूज करते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, बट पहले लगाने में हमें काफ़ी एक्सपेंस करना होता है। इन न्यूजीलैंड एंड USA देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल, ठीक है। तो न्यूजीलैंड और USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कई सारे जियोथर्मल एनर्जी प्लांट, पावर प्लांट्स हैं। एनर्जी फ्रॉम द सी, तो ये तो जियोथर्मल एनर्जी थी, यानी एनर्जी फ्रॉम द अर्थ था। अब उसी तरह से सी में भी कुछ एनर्जी होती है जिसे हम एनर्जी फ्रॉम द सी में डिस्कस करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सी में देखिए क्या होता है, द सीज एंड ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर अ सोर्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इमेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द मोशन ऑफ वेव्स, ठीक है।
तो आप सी या फिर ओशंस देखते होंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और उस वाटर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होता है। तो ये वाटर मोशन भी करता है, और जब मोशन करता है तो वहाँ पे इसमें वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी एनर्जीज़ को हम यूटिलाइज़ करके हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें है आपका टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी यानी जो टाइड आता है, जिसे हम ज्वारभाटा कहते हैं, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। टाइड्स आर वेरिएशंस इन द लेवल ऑफ वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ठीक है। तो टाइड क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मून का, वो उसके कारण जो होता है वो टाइड आता है, ज्वारभाटा आता है। 24 घंटे में एक बार होता है, क्योंकि मून जो होता है वो अर्थ के कुछ इस तरह से पास आ जाता है जिससे कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ओशंस या फिर सी के वाटर पर अप्लाई होने लगता है। द फिनोमिनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल और हाई एंड लो टाइड गिव्स टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो इसी फिनोमिनन में जब वाटर कभी हाई लेवल पर जाता है, कभी लो लेवल, मतलब लहरें जो होती हैं वाटर की वो कभी बहुत ऊंची हो जाती हैं, कभी बहुत लो हो जाती हैं, तो इसके कारण जो होती है इसको हम टाइड कहते हैं, और उसकी एनर्जी को जो होता है हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम्स नियर द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। व्हेन द टाइड सेट्स इन, इट मूव्स द टर्बाइन व्हिच डायरेक्टली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी का यूज करने के लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं नियर द सी, और ये ऐसे जगहों पर जहाँ पे नैरो ओपनिंग होता है, ठीक है, यानी दो बड़े बड़े, सपोज दैट बड़े बड़े स्टोन्स हैं, उनके बीच से वाटर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये टाइडल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो पाता है। नॉर्मली जैसे सी होता है वहाँ पे, अगर धीरे आप जैसे कोस्टल एरियाज में देखते हैं तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता, ये बेसिकली वहाँ पर होता है जहाँ पर थोड़े नैरो साइट होते हैं, जहाँ पे पतली साइट होती है वाटर फ्लो के लिए। इट इज़ लिमिटेड टू प्लेसेस नियर द सी, ऐसे स्थान काफ़ी कम होते हैं। जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये टाइडल एनर्जी का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर वाटर जो होता है, जब हाई टाइड होता है तो तेज़ी से लहरें उठती हैं और वो तेज़ी से फ्लो करता है, तो बीच में जब इस तरह की डिवाइसेस लगाए गए रहते हैं, और इसमें देखिए तो कुछ फैन जैसा दिख रहा, तो वो फैन जो होता है वो टर्बाइन है। जब उस पर काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है वाटर की, तो उस पर जब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ टर्बाइंस पर फ्लो करता है वाटर, तो टर्बाइंस रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेव एनर्जी। तो सी एनर्जी में नेक्स्ट है आपका वेव एनर्जी। वेव्स पॉसेस अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वेव्स जो होते हैं उनके पास काफ़ी अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी, ठीक है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं सी में तो वेव्स का प्रोडक्शन होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं तो लहरें भी तेज़ी से उठती हैं। लिमिटेड टू प्लेसेज विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, ऐसा काफ़ी कम ही स्थान पर होता है जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। डिवाइसेस हैज़ बीन डिज़ाइंड टू कैप्चर दिस एनर्जी, और कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए जाते हैं जो कि इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देखिए, ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है, मतलब ये उसी तरह का आपका जनरेटर ही है, बट ये इसका यूज होता है वेव्स में, ठीक है। तेज़ी से जब हवाएँ चलती हैं तो वेव्स का फॉर्मेशन होता है, और ये वेव्स तेज़ी से जब फ्लो करते हैं तो इसमें टर्बाइंस रोटेट करते हैं, और जब टर्बाइंस रोटेट करते हैं तो जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट वन इज ओशन थर्मल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी भी इज अ टाइप ऑफ सी एनर्जी, ठीक है। द डिफरेंस इन सरफेस टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वाटर एट द सर्टेन डेप्थ इन ओशंस इज एक्सप्लॉयटेड टू हार्नेस दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो सी है, सी का काफ़ी अधिक डेप्थ होता है, काफ़ी अधिक गहरा होता है,
तो उसके सरफेस वाटर और बिलो द सरफेस वाटर उन दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी अधिक डिफरेंस होता है। तो वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसी के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी 20 डिग्री बिटवीन द सरफेस एंड वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर, यानी इनसाइड द वाटर डेप्थ जो है जब हम गहरे पानी में जाते हैं और सरफेस के वाटर में देखते हैं तो दोनों के बीच में कम से कम 20 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, टेम्परेचर का 20 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है जिसके कारण ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वार्म वाटर इज यूज टू बॉयल वोलेटाइल अमोनिया टू फॉर्म वेपर दैट मूव्स द टर्बाइन, कोल्ड वाटर इज यूज टू कंडेंस द वेपर बैक टू द लिक्विड। ठीक है, तो नीचे जो होता है जब हम सी लेवल में काफ़ी नीचे जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर अधिक होता है। तो वहाँ पर ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं ये इनसाइड द सी ही लगाया जाता है, इन समुद्र के भीतर ही लगाया जाता है, क्योंकि जो नीचे का वाटर होता है वो अमोनिया को हीट करता है और अमोनिया जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया गैस जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैस जो होता है वो टर्बाइंस पर फ्लो कराया जाता है जिसके बाद टर्बाइंस रोटेट करते हैं और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर का जो आपका जो कोल्ड वाटर होता है वो फिर उसे ठंडा कर देता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ऊपर आने पर जो गैस होता है वो ठंडा हो जाता है और नीचे जाता है तो वो हीट के कारण फिर से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है रेगुलर वे में। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट सोर्स इज न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर फ्यूचर। इसे हम फ्यूचर का फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर का फ्यूल है क्योंकि अभी तो इसका यूज काफ़ी कम होता है, बट इन फ्यूचर हम ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि हम इसी पर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो काफ़ी एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेस अमाउंट में हमें फ्यूल यूज करना होता है और एक्सेस अमाउंट में एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एनर्जी उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर फीजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, आपका फर्स्ट है न्यूक्लियर फीजन एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फीजन, फीजन मीन्स स्प्लिट, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, तो न्यूक्लियस का टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना कहलाएगा आपका फीजन, और वहीं जुड़ना जो होता है वो फ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसमें हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्मॉल न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इस प्रोसीजर में एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डमेंट विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फीजन। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, इनमें बहुत ही अधिक एनर्जी होती है, इनका नाम ही है रेडियो एक्टिव, यानी इनमें से कंटिन्यूसली ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बिना कुछ किए भी ये इनका अमाउंट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इनमें से रेडियो वेव्स, कुछ वेव्स निकलती हैं जो कि इन्हें एक्टिव बनाती, इसी वजह से इनका नाम रेडियो एक्टिव होता है। तो जनरली आप के पीरियोडिक टेबल में जो हाई लेवल एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो आपके मैक्सिमम जो कि एटॉमिक नंबर को कंसीडर करते हैं वो सारे ऑलमोस्ट जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, रेडियो एक्टिव ही होते हैं। तो हैवी न्यूक्लियस जो होता है इनका एटॉमिक नंबर बहुत ही अधिक होता है, यानी इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ही अधिक होते हैं,
तो इसी वजह से यहाँ टर्म यूज किया गया है कि हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? जब इस पर लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, ठीक। अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसमें बहुत ही अमाउंट में, बहुत ही अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यूरेनियम 235 इज यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन फॉर्म ऑफ यूरेनियम रॉड्स, ठीक है। यूरेनियम 235 का मतलब क्या है? यूरेनियम के दो एलोट्रॉप्स होते, सॉरी दो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो जो यूरेनियम 235 है उसी का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रॉड के फॉर्म में, जो कि वहाँ पे फ्यूज फ्यूल का वर्क करता है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि इसमें बहुत ही अधिक अमाउंट में एनर्जी निकलती है और इसमें उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम अधिक दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे वर्क करता है? इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी एट ए कंट्रोल्ड रेट विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्रोसीजर हमारा वही है कि स्टीम का फॉर्मेशन है और स्टीम जो है वो टर्बाइंस पर जा कर के काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लो कराते हैं और टर्बाइंस जब रोटेट करते हैं तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। तो हमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए ही इस एनर्जी की नीड होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें ये जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन होता है, ये चेन रिएक्शन होता है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर, जब कोई हम न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं तो उस पर जब हम बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो वन से वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, 2 से 4, फिर 8, फिर 16, 32। यानी कि जब तक लास्ट अमाउंट कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं कर जाएगा तब तक ये रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता रहता है और एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके। और इसे बहुत ही अधिक होता है तो कभी कभी इसे कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए कैडमियम रॉड का यूज़ किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। इसमें हैवी वाटर भी यूज किया जाता है एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिक्रीज करने के लिए। हैवी वाटर, भारी जल इसे कहते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है। हैवी वाटर क्या होता है ये आगे के हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, इज ए काइंड ऑफ वाटर, ओके। फार्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O, नॉट H2O। फार्मूला हैवी वाटर इज D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहलाता है वो, ठीक है। तो मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, कुछ पावर प्लांट्स हैं जो कि इंडिया में हैं, जिसमें यहाँ से आपका यूपी में भी एक है जिसका नाम है नरौरा। नरौरा एक प्लेस है जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा यूपी एंड काकरापार गुजरात एंड कैका जो है वो कर्नाटका में है। अभी एक न्यूली हुआ है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में ही लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में स्प्लिट हो रहा था, फ्यूजन में कंबाइंड होता है। व्हेन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हल्के एलिमेंट्स के, कंबाइंड टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस लाइक हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम से लाइट है और हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से हैवी है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एटम्स दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होते हैं और हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसीजर में भी एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। सो लेट्स सी हियर, ड्यूट्रियम फ्यूजन हो रहा है तो हीलियम और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस प्रोसेस मोर एनर्जी रिलीजेज एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर
फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फ्यूजन में अधिक एनर्जी रिलीज होती है। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नीडेड फॉर फ्यूजन। इसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही अधिक देना होता है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमिनन। हाइड्रोजन बॉम्ब की जो थ्योरी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, और जो एटम बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की थ्योरी पर वर्क करता है, ठीक है। तो एटम बम में जो परमाणु बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हाइड्रोजन बम इज मोर डिस्ट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू एटम बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर बम या फिर एटम बम से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड द अदर स्टार्स, और जितने भी हमारे स्टार्स हैं, सन है और इसके अलावा भी जितने भी स्टार्स हैं, उन सभी की सोर्स ऑफ एनर्जी का जो रीज़न है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। सन के पास भी हाइड्रोजन ही है और हीलियम है, तो अभी अप्रॉक्स 74% सन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंस है, और वहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं, हीलियम का फॉर्मेशन होते हैं यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और इस प्रोसेस में ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और समझ सकते हैं कि यह कितनी अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि 15 करोड़ किलोमीटर से भी वो एनर्जी अर्थ तक पहुँचती है, बाकी सारे प्लैनेट्स पर भी इसी तरह से पहुँचती है। और सोचिए समर सीज़न में उतनी 15,000 करोड़ से भी अधिक डिस्टेंस है सन की, वहाँ से एनर्जी हमें यहाँ तक परेशान कर देती है, तो सोचिए ये एनर्जी कितनी अधिक होती होगी। एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल इसमें कम ही यूज़ होता है और एनर्जी हमें अधिक मिलती है। डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन होता है, फॉर्मेशन हीलियम का होता है, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज का भी प्रोडक्शन नहीं होता, यानी हमारे एटमॉस्फेयर को भी ये हार्म नहीं करते हैं। लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियाँ हैं क्या, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड इट्स डिस्पोजल। हाँ, इसके जो डिस्पोजल होते हैं, इसमें यूज होने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, अगर उनका प्रॉपर उनके वेस्ट का डिस्पोजल नहीं किया जाता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म करते हैं, इवन हमारे डेली लाइफ को भी वो काफ़ी हार्म करने लगते हैं। रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस, और बाय द वे अगर कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लीकेज हो गया तो वहाँ पर जो रेडिएशन होगा आसपास के एरिया में वो काफ़ी हार्मफुल होगा, उससे बहुत अधिक पीपल अफेक्टेड होंगे, वो उनकी जान भी जा सकती है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, इनको बनाने में बहुत ही अधिक पैसा लगता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो भी इंडिया में तो जनरली पाया ही नहीं जाता है। जो भी यूरेनियम वगैरह है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से परचेज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अपने कंट्री में मंगाते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सबको हम देखेंगे। एक्सप्लॉयटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द इन्वायरमेंटल इन सम वे और द अदर, ठीक है। किसी भी तरह का अगर हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी का अगर हम बहुत अधिक यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत अधिक यूज करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को हार्म करता है। द सोर्स वी वुड चूज डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग द फैक्टर्स। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें चूज करना होता है या चूज करना चाहिए, वो इन बातों को ध्यान में रख करके हमें चूज करना चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण पर उसका कम से कम प्रभाव हो। इजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, उस सोर्स से एनर्जी को अलग करना यानी एनर्जी को लेना काफ़ी ईजी होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, कॉस्ट भी काफ़ी कम होना चाहिए, जिससे कि हमें अधिक से अधिक एनर्जी मिले और प्रॉफिट हो सके। इफ़िशियंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, और उस सोर्स से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए अच्छी तरह की।
द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेट टू बी पॉल्यूशन फ्री. अगर हम कहें तो कोई भी एक ऐसा एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो कि किसी न किसी तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है, यानी कोई पॉल्यूशन फ्री 100% परफेक्ट पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. सम सोर्सेज आर क्लीनर देन द अदर, हाँ कुछ बेटर हैं लेकिन 100% प्योर कोई नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सोलर सेल्स में भी पॉल्यूशन फ्री, बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज सम इन्वायरमेंटल डैमेज, ठीक है. हालांकि सोलर एनर्जी आप कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी में तो सर हमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, बट उसके जो असेंबलिंग करने के लिए जो भी डिवाइसेस वगैरह यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल को डैमेज करते हैं, ठीक है. लास्ट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यूएबल जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं. सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लीटेड सम डे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, जिससे वुड है, सॉरी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसमें डीजल पेट्रोल कोल है, ये सारे जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में ही आते हैं आपके. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी रीजनरेटेड एंड दैट विल लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है. तो ऐसी एनर्जी जिनको हम बार बार यूज कर सकें, उनके सोर्सेज को हम रीजनरेट कर सकें प्रॉपर टाइम में, ठीक है, काफ़ी कम समय में रीजनरेट हो सके, तो ऐसी एनर्जी जो होती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. If any kind of question you can ask me, okay? So complete your fair copy and prepare for your half yearly examination is held maybe in September last or October starting. So be prepared for your half yearly examination. Thank you students, have a nice day.